हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ बहुत ही तीखी, बहुत ही चटपटी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो बिल्कुल पके पके नींबूओं से बनने वाली है। तो इसके लिए बढ़िया नींबू को आप सेलेक्ट कीजिएगा। ये देखिए, बिल्कुल दाग वगैरह नहीं होना चाहिए, नींबू बिल्कुल आपका साफ़ होना चाहिए। इसे धो के मैंने कपड़े से पोंछ लिया है, बिल्कुल भी कहीं भी पानी का हाथ नहीं होना चाहिए इसमें। और इस तरीके से इसको या तो चार हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा या इसे आठ हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस छोटे से चैनल में। और रेसिपी देखते टाइम आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है आगे। तो इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। यदि बीज बहुत ज़्यादा हैं तो बीज को थोड़ा अलग भी कर लेते हैं। वैसे इसमें बीज नहीं है, बहुत ही साफ़ नींबू है। ये सारा कट के तैयार हो चुका है। तो यहाँ एक किलो मैंने नींबू लिया है और इसमें 60 ग्राम मैंने स्वादानुसार नमक लेना है और ये 40 ग्राम लाल मिर्च पाउडर लिया है और 40 ग्राम से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ चीनी ली है। तीखा जितना रखना है आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं या चीनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं मिलाना है, केवल नमक, मिर्च और हमने चीनी ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिर्च भी सारे में लग चुकी है और अच्छे से चीनी भी इसकी घुल चुकी है। इसे एक घंटे के रेस्ट के बाद इसमें हमें कांच की बर्नी में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये सारा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसे हमें पकाना वगैरह कुछ नहीं है अभी, केवल इसे हमें 10 से 15 दिन के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। आप चाहो तो 15 दिन के अंदर इसे 2 दिन की धूप भी लगा सकते हैं। 15 दिन आपको धूप नहीं लगानी है, केवल बीच में किसी भी 2 दिन आप धूप लगा सकते हैं। और इसे 15 दिन के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ 15 दिन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। ये फ़िलहाल मैं 15 से 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ आपको। इसे अभी आप 10 दिन के लिए और भी रख सकते हैं या अभी से खाना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, बिल्कुल रसीला है। ये नींबू का अचार आप गरम मसाले से भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ केवल नमक, मिर्च और चीनी से इसे तैयार किया है। यदि आप इस तरीके से नींबू का अचार नहीं डालते हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट ये लगता है। छिलका अच्छे से गल चुका है क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर का ही मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ इसे। और पूरे 2 साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। केवल इसे आपको 2 दिन की धूप ज़रूर लगानी है और बहुत ही रसीला बनता है। इसे पराठा, खिचड़ी, तहारी, जब मर्जी, जब जैसे, मट्ठी से, कैसे भी इसको आप खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।